हरिद्वार में 2021 में होने वाले कुंभ की तैयारियां जोरों शोरों पर शुरू हो चुकी है। इस संबंध में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक के साथ मिलकर मेला नियंत्रण भवन में आगामी कुंभ मेले को लेकर बैठक की। वही बैठक में मेलाधिकारी दीपक रावत, आईजी कुंभ संजय गुंजियाल और सभी अखाड़ों के साधु संतों समेत अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में कुंभ मेले के लिए होने वाले निर्माण कार्यों पर चर्चा की गई। इस दौरान सभी साधु संतों ने मुख्यमंत्री से कुंभ मेला क्षेत्र का विस्तार करने के साथ ही अखाड़ों के लिए स्थायी भूमि और स्थायी निर्माण करवाने की मांग की है और सभी ने अपनी समस्याओं से भी मुख्यमंत्री को अवगत कराया। वही मुख्यमंत्री ने भी साधु संतों की सभी मांगों पर विचार करने का भरोसा दिया है। सीएम ने कहा कि सरकार कुंभ मेले को लेकर तेजी से अब काम कर रही है। कुंभ मेले के लिए बड़े फंड का अनुमोदन कर दिया गया है, जिसमें से कुछ फंड को रिलीज कर दिया गया। सरकार का प्रयास है कि हरिद्वार कुंभ मेला एक अलग मानदंड स्थापित करेगा। इसके लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। कुंभ के सभी कार्यों को समय से ही पूरा कर दिया जाएगा। देखिए, हमने ये कहा है कि यदि सारी व्यवस्था यदि शासन देता है सारे अखाड़ों के अनुरूप उनके सुविधा अनुसार, तो सारे अखाड़े वहाँ जाएंगे, ये हमने कहा। हाँ, वो मुख्यमंत्री ने कहा है कि जमीन जहाँ 3 बैरागियों कैंप की बात है उनका लिखा पढ़ी भी चालू हो गई है, बाकी अखाड़ों की बात है जमीन ढूंढी जा रही है, जहाँ पर्याप्त जमीन मिलेगी उनको दी जाएगी। तमाम जो हमारे अखाड़ों के प्रतिनिधि थे उन्होंने अपनी समस्याएं भी हमको बताई हैं और सरकार इस पर बहुत तेजी से काम कर रही है। हमने जो फंड यहाँ के लिए अनुमोदित करना था काफ़ी बड़ी मात्रा में कर भी लिया गया है, रिलीज भी कर लिया गया है, टेंडरिंग भी हो गई है और कई काम यहाँ पर प्रारंभ भी हो चुके हैं। हरिद्वार से विकास कुमार की रिपोर्ट। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।